यस सर। कल जो सारे लेटर्स आए थे जल्दी से वो लेकर आओ। जी सर। सर ये रहे वो लेटर्स। सॉरी 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 सर। सॉरी सॉरी सर। लीव नाउ। तुम्हें एक भी काम ढंग से करना नहीं आता क्या? मैंने तुम्हें मेल भेजने को गिल प्रॉपर्टीज को बोला था, ना कि पूजा प्रॉपर्टीज को। तुम मेरी कंपनी को बंद कराना चाहती हो क्या? मेरी कंपनी की रेपुटेशन डाउन कराना चाहती हो? नो सर, वो पहले से गलत नाम सेव हो रखा था। ये ना तुम्हारी लास्ट और फाइनल वार्निंग है। अगर इसके बाद कोई भी गलती हुई ना, आई विल फायर यू। सॉरी सॉरी सर। इसको क्या हुआ? पीसी ऑफ? ये क्या कर रही हो तुम? अब तक काम खत्म नहीं हुआ, पीसी ऑफ करके बैठी हो। सर नहीं सर, वो पता नहीं, अब मैं काम स्टार्ट ही करने वाली थी, एकदम से स्क्रीन ऑफ हो गई, चल भी नहीं रहा है। क्या पीसी ऑफ हो गया? तुम तो हो ही मनूस, जब से आई हो ना मेरे ऑफिस में तब से नुकसान करा रहे हो बस मेरी कंपनी का। जल्दी मेरे कैबिन में आओ। यस सर। मैंने तुम्हें लास्ट टाइम बोला था ना कि वो तुम्हारी लास्ट और फाइनल वार्निंग है, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। तुमने फिर से गलती की। तुम्हें ना मैंने सिर्फ एक मजबूरी के कारण रखा अपने ऑफिस में, क्योंकि मेरे फ्रेंड ने रिकमेंड किया था तुम्हें कि तुम बहुत इंटेलिजेंट लड़की हो, लेकिन मुझे तो तुम्हें देख के कहीं से इंटेलिजेंसी महसूस नहीं होती। और ऊपर से तुम ये कपड़े क्या पहन कर आती हो ऑफिस में? हमारे ऑफिस का ना एक स्टैंडर्ड है जिसको तुम बिल्कुल भी मीट नहीं करती हो। तुमने कभी अपना हुलिया देखा है? ऐसे ऑफिस आते हैं? तुमने पूरे ऑफिस में तुम्हारी तरह कोई और देखा है? तुम हमारे ऑफिस की रेपुटेशन खराब कर रही हो, और मैं तुम जैसे एम्प्लॉय को अपने ऑफिस में बिल्कुल नहीं रख सकता। यू आर फायर्ड, गेट आउट। और कल से ना यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर सर मेरी 2 महीने की सैलरी भी नहीं मिली है। सैलरी? किस बात की सैलरी? तुम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो सैलरी? तुमने मेरा कितना नुकसान करवाया और मेरी रेपुटेशन भी डाउन कराई है। निकलो यहाँ से, कोई सैलरी वैलरी नहीं मिलेगी तुम्हें। पर सर आप... गेट आउट। ए चंपू, आ जा रही है? बैग दे इस तरफ। दे रही है कि नहीं? और क्या क्या ले रखी है? ऑफिस से आ रही है लग रहा। ए कमजोर लड़की, तेरे से लड़ा नहीं जाता क्या? दिखने में तो मेरे से हट्टी कट्टी लग रही है और लड़ तेरे से जा नहीं रहा। और क्या क्या तेरे पास? जितना भी कैश, सोने की अंगूठी, डायमंड की अंगूठी, सब दे दे मेरे को, वरना चक्कू मार दूंगा मैं सच में। वैसे फोन 20-25 हज़ार का तो चला ही जाएगा। चल रुक रुक। यार खा गई वो पागल लड़की। अच्छा खासा उसका बैग हाथ लग गया था, ना चिल्ला पाती ना लड़ पाती। पागल जी, छोड़ अब, और किसी को ही ढूंढता हूँ। शिवम का घर, थोड़ी देर यहीं रुक जाती हूँ। पूरा दिन तो आज इतना ख़राब गया है, इसको देख के थोड़ा मूड ठीक हो जाएगा। आ गए, आज तो हिम्मत करके इनको प्रपोज कर ही दूंगी। तू यहाँ खड़े होकर मुझे क्या देख रही है? कुछ नहीं, बस घर जा रही थी यहाँ से। तो अपने घर जाना, मुझे क्यों घूर रही है बार बार? ओ शिट, ये चश्मिश फिर आ गई। ये रोज रोज मेरे बॉयफ्रेंड को देखने आ जाती है, इसका तो कुछ करना पड़ेगा। बेबी कहाँ रह गए थे, इतना टाइम लगा दिया? वो तैयार होने में थोड़ा टाइम लग गया, इसकी तरह माई थोड़ी बन के आ जाऊंगी। और तू चश्मिश यार रोज रोज क्यों आ जाती है मेरे बॉयफ्रेंड को देखने? ये सिर्फ मेरा बॉयफ्रेंड है, और तेरी जैसी लड़कियों को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ जो दूसरों के बॉयफ्रेंड पर नजर डालती है। बेबी एक मिनट, नजर डालती है मतलब? हाँ बेबी, ये तुम्हें लाइक करती है, शायद अपने स्टैंडर्ड्स भूल गई है। ओ मोहतरमा, मुझे लाइक करती है? अबे तूने अपनी शक्ल देखी है चश्मिश, मैं ना मर जाऊंगा मगर तेरे जैसी चश्मिश से कभी प्यार नहीं करूंगा। और सुन, अपने आप को देख और मेरी गर्लफ्रेंड को देख, तेरा कभी कंपैरिजन भी नहीं है इसके साथ। और ना अपनी शक्ल लेके ना चली जा यहाँ से। आउट। मुझे ऐसा कोई भी मुझे पसंद नहीं करता, सब मुझे चिढ़ाते, कोई मेरे साथ रहना नहीं चाहता। ऐसा बनाने से तो अच्छा था कि मैं पैदा ही नहीं होती, इस दुनिया में ही नहीं आती। कोई मुझे पसंद नहीं करता, मेरी शक्ल देख के और मेरे ये कपड़े देखकर। भगवान जी, काश मेरे पास कुछ सुपर पावर्स होती जिससे मैं अपने आप को सुंदर बना लेती और ये चश्मे और ये कपड़े, इनसे छुटकारा मिल जाता, मैं लोगों का सामना कर पाती। कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ मैं, कुछ भी नहीं। तो वही है मेरा खड़ूस बॉस, इसकी शक्ल देख के मन करता है ना इसको बहुत मारूं। काश मेरे पास सुपर पावर्स होती जिससे मैं सब कुछ फ्रीज कर देती। तो सच में सब कुछ फ्रीज हो गया, मेरे पास सुपर पावर्स। नहीं नहीं नहीं, हाँ ट्राई करती हूँ दोबारा। ओवर। इसका मतलब मेरे पास सच में सुपर पावर्स आ गई है। अभी से मजा चखाती हूँ अच्छे से। फ्रीज। ओवर। क्या चुरा है भैया? मेरी शक्ल देखो, आपको मैं चोर लगता हूँ? अबे तेरी तो शक्ल पे चोर लिखा हुआ है। अब आएगा मजा। सड़ बाबू ये क्या? ये मैं नहीं लाया। क्या भर लिया मैंने? ओहो बहुत बढ़िया। इनका बिल दिखाइए जरा। भैया बिल कहाँ से होगा जब मैंने लिए नहीं? तूने नहीं लिए, अभी पता चलेगा तेरे को, रुक जा चोर। मजा आ गया, अब तो मेरे पास पावर्स आ गई है टाइम फ्रीज करने की। अब मैं सब लोगों को मजाक चखाती हूँ जो मेरा मजाक उड़ाते थे ना। एक्चुअली ना मेरे को बहुत भूख लग रही है, मोमोज खाने हैं। बेबी बस इतनी सी बात, आप कहो मोमोज की पूरी दुकान खरीद दूं। सच्ची? अरे सच्ची। हाँ। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा। Oh, wow. Wow. वो नैंसी है ना चश्मिश, आज इतनी बदली बदली कैसी लग रही है, इतनी ब्यूटीफुल। वाह कितना चेंजेस आ गए इसके अंदर। ये चश्मिश, इसका हुलिया कैसे चेंज हो गया? मेरा बॉयफ्रेंड इसे ही देखे जा रहा है, कुछ करना पड़ेगा। इसे तो मैं बताती हूँ। ए चश्मिश, तूने ये क्या पहन रखा है? और तुझे क्या लग रहा है तू ये सस्ता मेकअप करके और ऐसे थर्ड क्लास कपड़े पहन के मेरे बॉयफ्रेंड को अपना बना लेगी? तो ऐसा कतई नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा बॉयफ्रेंड सिर्फ मेरा है। और अगर तूने उस पर नज़र डालने की ज़रा भी कोशिश करी तो तेरे को तो मैं अब देख मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। अब तू मेरी बात सुन, मैंने तेरे बॉयफ्रेंड के ऊपर कोई नजर नहीं डाली है। तुझे पहले से पता था कि मुझे वो पसंद है और इसलिए तूने उसको पटाया है ना, मुझे चिढ़ाने के लिए। लेकिन अब देख तू, तेरा क्या हुलिया बनाती हूँ मैं। बेबी हाथ दो। अबे चल, अपनी शक्ल देखिए, मंजुलिका लग रही है, मंजुलिका। और नैंसी को देख, इसका ड्रेसिंग सेंस देख, कितनी गॉर्जियस लग रही है, कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। जितनी तारीफ करूँ ना इसकी उतनी कम है। और खुद का देख, खा खा के बहस हो रही है। इसके तो कंपैरिजन में अगल बगल तक भी नहीं है। ठीक है, ब्रेकअप है तेरे से। नैंसी तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? बनूंगी ना। मजा आ गया। अच्छा, ये तो वही चोर है ना जिसने मेरा फोन छीना था। मुझे डरपोक बोल रहा था ना, आज बताती है सर कितने डरपोक हूँ मैं। अच्छा ओ पागल लड़की, आज क्या लेके आई बैग में? बताती हूँ ना क्या लेके आई हूँ। फ्रीज। चल मार। ओवर। अरे मैम साहब प्लीज माफ कर दो, पता नहीं आज मैं कैसे पीट के, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज प्लीज आज के बाद पक्का नहीं करूँगा प्लीज। ठीक है, आज से तू मेरा गुलाम। पकड़ मेरा बैग। जी मैम साहब, मैं आज से आपका कुत्ता। आज तो पूरा दिन मजा ही आ गया। थैंक यू भगवान जी, आपने मेरे को टाइम फ्रीज करने की पावर्स दी। अब मैं सबका सामना कर सकती हूँ, सबसे लड़ सकती हूँ। कोई भी मेरे बारे में कुछ बुरा बोलेगा तो मैं अपने लिए अपना स्टैंड खुद ले सकती हूँ। थैंक यू। नैन्सी, तुम्हें टाइम फ्रीज करने की पावर मैंने दी थी, लेकिन मैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स बताना भूल गई। जितनी भी बार तुम इसका यूज़ करोगी, तुम्हारी उम्र के 10 साल कम हो जाएंगे। क्या 10 साल? पर मैंने तो 4 बार उसको यूज़ किया था। इसका मतलब मेरी ज़िंदगी के 40 साल कम हो चुके हैं। अभी मैं 20 साल की हूँ, 40 साल कम हो गए। इसका मतलब मेरी ज़िंदगी के बस 10-20 साल बचे हैं मेरे पास। हाँ, और आगे का डिसीजन तुम्हारा रहेगा कि तुम्हें इस पावर का यूज़ करना है या नहीं। लेकिन मुझे नहीं लगता तुम्हें इस पावर की कोई ज़रूरत है। पावर तो मैंने तुम्हें दी थी, लेकिन तुम्हारा कॉन्फिडेंस खुद का था। तुम अच्छे से डील कर सकती हो अपनी प्रॉब्लम से। और हम सबको किसी भी सुपर पावर की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हम सब के अंदर कोई ना कोई पावर होती है, बस उसे पहचानने की देर होती है। मुझे नहीं चाहिए कोई सुपर पावर्स। अब मैं समझ गई हूँ कि मुझे लोगों से कैसे निपटना है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। अरे आगी बेबी। ओह बेबी बेबी नहीं हूँ मैं तेरी कोई। आई बात समझ में। और वैसे भी तेरे जैसे लड़के को तो मैं कभी भी अपना बॉयफ्रेंड नहीं बनाऊंगी। जो लड़कियों को ना उनके लुक्स और उनके कपड़ों से जज करते हैं। लड़कियों को ना उनके दिल से प्यार किया करो, दिल से, ना कि उनकी शक्ल या फिर कपड़ों से। आज के बाद मेरे आस पास ना नजर भी मत आजियो। अरे बेबी बेबी। और सर आप, मैं ना इस कंपनी में अपने टैलेंट और अपनी नॉलेज की वजह से आई थी, ऐसे ही नहीं आई थी। क्या हुआ अगर मुझ में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी थी तो? कभी कभी होता है कि एम्प्लॉयज़ अपने आप पे कॉन्फिडेंट फील नहीं करते, लेकिन एक टीम लीडर का काम होता है कि अपने जूनियर्स को मोटिवेट करे, ना कि उन्हें डीमोटिवेट करे। हाँ, कभी कभी हड़बड़ाहट में मुझसे गलतियाँ हो जाती थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं इस जॉब के लायक नहीं थी। पर कोई बात नहीं, अच्छा हुआ आपने मुझे जॉब से निकाल दिया, वरना मैं खुद ही आज रिजाइन करके चली जाती। मुझे नहीं करना है ऐसी कंपनी में काम वाम, जहाँ टीम लीडर अपने जूनियर्स की इज्जत नहीं करता, रिस्पेक्ट नहीं करता। बड़े मोटा कहीं का, बस चाय पीता रहता है। सुपर सुपर किसका फोन आ गया? हेलो मिस नैन्सी, आपकी एचआर की पोस्ट पे जॉब लग चुकी है, तो आपको कल से ज्वाइन करना है। क्या जॉब पे? ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू, मैं कल से आ जाऊंगी। ओके बाय। जी सर, थैंक यू, थैंक यू सो मच। यस, फाइनली मेरी अच्छी जॉब लग गई। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच। तो आप लोगों ने देखा ना कैसे मैंने अपने अंदर की हिम्मत को बाहर लाया और अपना टैलेंट सबको दिखाया। पहले मैं सबसे डरती थी, खुद पे कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन हम सब के अंदर कॉन्फिडेंस होता है। हम लोग अपना टैलेंट छुपा के रखते हैं, तो इसलिए अपने अंदर के कॉन्फिडेंस को बाहर निकालो। किसी से भी कुछ भी चीज़ के लिए डरने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, लोगों को उनके लुक्स से कभी भी जज मत करो। वो इंसान अच्छा है या बुरा है वो उसके दिल से पता चलता है, ना कि उसके लुक्स से। और थोड़ी बहुत नॉलेज आपको हर एक फील्ड की रखनी चाहिए ताकि किसी से भी किसी भी चीज़ में हम पीछे ना रहे। तो मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको इस वीडियो का मैसेज पसंद आया होगा। बाय बाय।